सारे भाई राम राम, नमस्कार। और आज भाई रिव्यू करेंगे अपनी उसेंग 250 का, देखें कैसी के बाइक है, क्लियर करेंगे सब कुछ। चलो आ जाओ। तो भाई आज बाइक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले भाई, दो प्रोजेक्टर देखने मिल जाए, लो बीम हाई बीम, विजिबिलिटी देखें तो कुल मिलाकर ठीक है। विजिबिलिटी कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करें भाई, ड्यूल डिस्क मिल जाए आपने दोनों तरफ। और अब बात कर लें साइड पे, यहाँ पे तो हल्का हल्का ब्लैक का इस्तेमाल कर रखे हैं, ये इंडिकेटर टूट गए। और यो यहाँ पे वाइट कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर का कॉम्बो है भाइयों। और ये यहाँ पर आपने हुसैन की बैचिंग मिल जाएगी, GTR का बैच यहाँ पे मिल जाएगा। और कंसोल जो है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर आपने RPM स्पीड वगैरह, RPM स्पीड ट्रिप सब कुछ देखने मिल जाएगा, न्यूट्रल लाइट सब कुछ इसी में देखने मिल जाएगा भाई। बात करें सीट की, सीट कुल मिला के आगे वाली पूरी कंफर्टेबल है, पीछे वाली भी पूरी बढ़िया है। जो अपनी कंपैरिजन करें KTM RC 390 के तहत तो उस तय बहुत बढ़िया है भाई, पूरी कंफर्टेबल है। और पकड़न पकड़न का सारा जुगाड़ है कती। पीछे टायर की बात करें, KTM ड्यूक जितना आपने टायर मिल जाए कती बढ़िया। और भाई अब बात करें इंडिकेटर की, ये इंडिकेटर देख रहे हो आप, बिल्कुल पता ना कैसे पीले पीले पड़ रहे हैं, और LED भी नहीं है इसमें। और अब बात कर लें टेल लाइट की, तो ये टेल लाइट भाई टेल लाइट बहुत बढ़िया लगी मैंने तो। बाकी आपने जो लगे कमेंट में बता दियो। और ये है भाई इसके एग्जॉस्ट, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। जो इकलौती दो सिलेंडर मोटरसाइकिल है 250 CC में, इस तरफ से भी आपने पूरी बड़ी फेयरिंग देखने मिल जाएगी। और भाई अब इसमें बात बता दूँ, अब देखें भाई इस बाइक में कमी क्या की है। तो पहली बात, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, जगह जगह टिकती चले भाई, जगह जगह टिकती चले। अगर कहीं पे दिक्कत आ गई, डबरे कर पाया ऊंचा, तो यो भाई इसकी फेयरिंग जाओगी पार्ट, और इसके भाई पार्ट्स बहुत महंगे हैं दूसरी बात। और तीसरा, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 4 लाख 4.5 लाख के हिसाब में पड़े हो, 4 साढ़े 4 में पड़े है। बल्कि अगर और कोई सी इसके कंपैरिजन की 250 CC की बाइक देखे तो वो इससे बहुत सस्ती पड़े है। और इसका भाई मेंटेनेंस बहुत हाई है, अगर आप सिंगल हैंड चलाओगे तो मेंटेनेंस ना भी मांगे शायद। वैसे तो इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, पर भाई रखने के ऊपर बात है, वो आपके ऊपर बात है कि आप किस तरीके से चलाओ। अब इसकी खूबी गिनवा दूं एक भाई, इसका लुक, सीधा हायबुसा निंजा इन्हें टक्कर दे हुए KTM, ये तो इसके भाई पास में भी ना है। और भाई बात बता दूं इसमें और की कमी है, इसमें फीचर मीटर में इसके बहुत कम, KTM RC देखी जाओ 200 में तो उसमें इससे बहुत ज़्यादा फीचर हैंगे। और भाई आप अगर किसी भी 250 CC बाइक पे इसकी ड्रैग रेस करोगे तो जो 100 की 100 जीत जाओगी। और भाई इसकी टॉप स्पीड है 180 190 ऐसी कुछ देखी आज तक तक, एवरेज दे दे भाई। अगर लंबे ट्रिप पे चलाओगे तो 20 तक की, और छोटे मोटे अगर लोकल मारना है तो 15 तक की एवरेज दे दे। अगर भाई आप एक 250 CC मोटरसाइकिल पर 4 लाख खर्च सको, खाली लुक और एवरेज ना देखनी है आपने, और खाली साउंड और लुक देखना है, तो भाई आप 250 CC वो मोटरसाइकिल ले सको आपने, खाली अगर लुक तो मतलब है तो। क्योंकि अगर आप इसने बाहर ले कर निकलोगे तो पब्लिक आपने 100 की 100 नोटिस करेगी, इसकी आवाज़ ने देख कर, इसके लुक ने देख कर। तो भाई इसकी रहेगी खाली आवाज़, आवाज़ और सुना दूँ आप। आवाज़ कैसी लगी भाई कमेंट में बताइए। धन्यवाद भाई।